हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मालवी एकेडमी की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कृषि चौपाल सीरीज की 1000 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन यूनिट के 300 से 250 के बाद के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से आप सब जुड़े बच्चों, और कैसा रहा प्रीवियस एक्सपीरियंस ये भी आप सब बताते रहा करें। पिछले सेशंस में आपने कुछ सीखा था या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट था, ये सारी चीज़ें आप सब शेयर जरूर किया करिए। और CUET के एग्ज़ाम में आप लोग कन्फ्यूज़न लेके मत पहुँचिएगा, सीधी सीधी बात है। और सीधा हम लोगों का टारगेट भी यही है कि जो भी कन्फ्यूज़न रह गए हैं, जो भी चीज़ें आपको सीखनी है वो यहाँ से सीख के जाइए, घर से पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने के पहले तक आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाना चाहिए, ये टारगेट बना के चलिए। तो इसलिए आप सब जब यहाँ इकट्ठा होते हैं पढ़ने के लिए, तो ये सिक्योर होके आया करिए कि सारा डाउट यहीं पे ख़त्म करके ले जाएंगे, वापस ले करके डाउट नहीं जाएंगे, ये टारगेट बना के आप सब चला करें बेटा। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। बैड बॉय, पहले ही बैड बॉय मिल गए हैं। शुभम पाल, क्लासिकल हीरो, अभिनव सिंह राजपूत, एम लर्नर, शुभम पाल, शिवांगी राज, कमलेश पटेल, तान्या सिन्हा, प्रतीक्षा पंडित, अभिषेक यादव, सोफिया नाज, सबका स्वागत है बच्चों। आप सब जल्दी से जुड़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बेटा बिल्कुल आप लोग करते रहें। गोविंद, आपका भी स्वागत है बेटा। राजस्थान के बच्चे तो बहुत मेहनती होते हैं, है ना, बहुत मेहनती होते हैं। मैंने देखा है राजस्थान के बच्चों में जो मेहनत दिखती है वो अपने इधर के बच्चों में उतना नहीं दिखने को मिलता है। तो आप सब तो और अच्छा करेंगे बेटा, खुश रहें आप सब। ठीक है बाबू, जैसा भी चल रहा है, समय कठिन चल रहा है तो मेहनत ज़्यादा पड़ रही है, तो थकान और तमाम चीज़ें जो है, मौसम का बदलाव, सारी चीज़ें रहती हैं। 100% तो नहीं ठीक है, लेकिन काम चला उभर का ठीक है। आप सबके साथ जुड़े हैं, बस इतना ठीक है कि आप सबके साथ जुड़ पाए हैं। बिहार के पास भी बहुत मेहनत है। लो, हमने कह दिया कि राजस्थान के बच्चे मेहनती होते हैं, तो इनको रहा नहीं गया, इनको बोलना ही था कि सर बिहार के बच्चे भी कम मेहनती नहीं होते हैं। मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि बिहार के बच्चे कम मेहनती होते हैं, बिहार वाले तो ज़्यादातर यहाँ पढ़ ही रहे हैं। बिहार, UP, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, अधिकतर 6-7 राज्यों से यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ तक मेरा कांटेक्ट हो पाया है बच्चों से। और क्रॉप प्रोडक्शन आज और एक क्लास होगी, और उसके बाद कल हम लोग एक क्लास और लेंगे क्रॉप प्रोडक्शन पे। उसके बाद बच्चों हम लोग शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट यूनिट जो भी होगा उसमें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि अभी डिजीज़ वाला पार्ट और इंसेक्ट वाला पार्ट जो है क्रॉप प्रोडक्शन में फसलों से संबंधित वो बचा हुआ है। कुछ वीड साइंस से मुझे और क्वेश्चन आपको देने हैं। वीड साइंस से क्वेश्चन मैंने आपको अभी, मुझे लगता है कि 20-25 या 30 क्वेश्चन ही कराए होंगे, तो आज भी उसमें वीड साइंस आएगा। आज मोस्टली बच्चों फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर्स और फसलों से संबंधित सवाल होंगे, हर्बिसाइड से संबंधित सवाल होंगे। साथ ही साथ आज हम लोग जो है बेसिक एग्रोनॉमी के बारे में भी सीखेंगे, और फिर उसके साथ साथ टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चंस होंगे। बायो फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर से भी आज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आज हम लोग कुछ और भी अच्छा करने वाले हैं, है ना। चलिए ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। आप सब जो है, आज संडे का दिन है, तो उम्मीद है आप सब जल्दी से और ज़्यादा ही जुड़िएगा, क्योंकि संडे के दिन तो आप सब भी फ्री ही रहते हैं, जैसा कि हम फ्री हैं, है ना। चलिए, अभी तो कम लोग आए हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे बच्चों आ चुका है, जल्दी से आप सब रिप्लाई दें। स्टेटमेंट वाला सवाल है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द मिलेट क्रॉप्स ग्रोन रिक्वायर ड्राई कंडीशन, हाई टेम्परेचर एंड दे ऑल्सो नीड शॉर्ट ड्यूरेशन टू ग्रो। जितनी भी मिलेट वाली फसलें बच्चों, ये अधिकतर कहाँ पे शुष्क कंडीशन में उगाई जाती, मतलब कम पानी की आवश्यकता होती है, अधिक तापमान इनको चाहिए होता है, और कम ड्यूरेशन, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब ये हुआ अल्प अवधि में ये उग जाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बाजरा, मतलब मिलेट फसलें ज्वार, बाजरा और फिंगर मिलेट,
जो है ये मोस्टली मिलेट क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में उगाई जाती हैं। ये दो कथन है और दोनों कथनों में बेटा आपका दोनों सही है, ठीक है, काफ़ी अच्छा आंसर आप सबका आना शुरू हो गया है। दोनों ही कथन बेटा सही है। सबसे ज़्यादा जो है भारत में सोरघम, बाजरा और फिंगर मिलेट, यही जो है फसलें उगाई जाती हैं। अगर बाजरे इसमें मिलेट वाली फसलों में अगर हम बात करें तो सभी मिलेट वाली फसलों में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्हीं फसलों को हम लोग उगाते हैं। बाकी जो रही बात जो मिलेट क्रॉप्स को उगाने की जो शर्त है वो यही होती है कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हो और अगर इरिगेशन अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग मानसून के ऊपर ही उसको उगा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा ड्राउट टॉलरेंट होती है। आप सबको पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि सभी सीरियल क्रॉप और मिलेट फसलों में सबसे ज़्यादा सूखा अवरोधी फसल कौन सी है, द मोस्ट ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप एमंग सीरियल एंड मिलेट्स वो कौन सी है। इसमें से आपको ऑप्शन दिख रहा है सोरघम और पर्ल मिलेट और फिंगर मिलेट और मिलेट्स, इन सभी में से आपको अगर बताना हुआ तो आप पहले नंबर पे बताएंगे पर्ल मिलेट। बाजरा सबसे ज़्यादा सूखा सहनशील होता है, दूसरे नंबर पे आपका सोरघम होता है। फर्स्ट पे कौन होगा बाजरा, दूसरे पे कौन होगा सोरघम होता है। ये दोनों आपके ड्राउट टॉलरेंट होती हैं, सूखा सहनशील बाजरा नंबर वन पे, दूसरे नंबर पे सोरघम होता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। सोरघम वाले बेटा गलत मत करना, मैं बोल दे रहा हूँ सबसे पहले अगर सूखा प्रतिरोधी में आएगा तो आप बाजरे को नंबर वन पे रखिएगा। केमल क्रॉप बोला जाता है लेकिन केमल क्रॉप दूसरे नंबर पे है। अगला सवाल, क्रॉप मिक्सचर है प्रूव्ड बायोलॉजिकली मोस्ट डायनेमिक अंडर फसल मिश्रित मिश्रण, अगर हमें करके बुआई करना है तो इनमें से किस कंडीशन में हम मिक्स क्रॉपिंग का जो है यूज करेंगे। यहाँ पे अल्टीमेटली आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में बात की जा रही है, मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में, मिश्रित फसलन के बारे में बात की जा रही है, तो इनमें से किस शर्त पे हम लोग काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ बेटा बाजरा ही आपको लगाना है, बिल्कुल आएगा ही, सवाल यही सब रहते हैं, बस आपको ढूंढ के आंसर देना होता है। सी, हाई सॉइल फर्टिलिटी कंडीशन। ओके, मतलब आप ये समझिए क्रॉप मिक्सचर हमको उगाना है, ठीक है, क्रॉप मिक्सचर हमको उगाना है मिश्रित फसल में, और सबसे ज़्यादा जो फसलों को रिक्वायरमेंट होती है ना, अगर आपको देखा जाए फसल की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एक तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मॉइस्चर की यानी कि वाटर की और साथ ही साथ न्यूट्रिशन की, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इसेंशियल होती हैं। तो सबसे पहली बात जो होती है वो होती है मॉइस्चर की। अगर मॉइस्चर उसको नहीं मिलेगा, अगर नमी या पानी उसको नहीं मिलेगा तो फर्टिलिटी और फर्टिलाइजर इन सब का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। कितना भी आप फर्टिलाइजर तो बाद में अप्लाई किया जाएगा ना, पहले तो नमी चाहिए ना उस खेत को जो है, ताकि वो फसलों को जर्मिनेट करा सके और उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेज ला सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इरिगेटेड कंडीशन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है बेटा, इरिगेटेड कंडीशन होना चाहिए, सिंचित फसल उसमें होनी चाहिए। अगर सिंचाई नहीं है तो आप मिश्रित फसल नहीं उगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी उसके बाद की जो शर्त होती है कि फर्टिलिटी भी होगी तभी हम उगा सकते हैं। अगर फर्टिलिटी बहुत अच्छी है हमारे सॉइल की लेकिन पानी की कमी है तो कैसे उगाएंगे, तो इस वजह से आप हमेशा पहले पानी की पूर्ति करेंगे, बाद में फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका राइट आंसर बेटा दूसरा वाला हो जाएगा। तीसरा वाला जिनका जिन्होंने टिक किया है वो दूसरी शर्त होगी, अगर ये इरिगेशन वाला नहीं रहता तब आप इसको लगा सकते थे। तो ये वाला चीज़ आप लोग याद रखिएगा, सिंचित दशा में ही सबसे पहले आपको याद रखना है इरिगेशन की रिक्वायरमेंट, पहले बाद में फर्टिलिटी की बात की जाएगी। आगे चलते हैं, फसल उगाने की डेपोक विधि किससे संबंधित है, डेपोक मेथड बताना है आपको किससे संबंधित है। ये वाला सवाल काफ़ी लोगों का गलत होने वाला था, ऐसा नहीं है कि जो है सबका सही ही हो सकता था। पिछला वाला सवाल 50-50% वाला था, ऐसे ही नज़दीकी आंसर आपको देगा वो चूज करना होगा। तो नज़दीकी आंसर में आपको सबसे पहले भाई आपको बोल दिया जाए कि ये लो खा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूट्रिशन में, बहुत ज़्यादा भाग लेगा। अगर आपने सत्तू खा लिया, कभी आप आजमाइश करिएगा, अगर आप चावल खा करके जो है रहते हैं दिन भर और अगर आप सत्तू खा करके रहते हैं, सत्तू खाने के बाद खूब प्यास लगती है और चावल खाने के बाद उतना प्यास आपको नहीं लगेगी, तो इसलिए क्योंकि उसको पचाना होता है। तो न्यूट्रिशन किस में घुल करके जाएगा, पानी के साथ घुल करके जाएगा, तो पानी बहुत ज़रूरी होता है, वो 50-50 वाला था। इसमें देखते हैं डेपोक जो मेथड होता है बेटा, ये नर्सरी उगाने की विधि है।
क्या उगाने की विधि है, नर्सरी। काफी लोगों ने इसमें सी आंसर दे दिया था, ठीक है, आपका बी सही होगा बेटा। आज काफी लोगों का गलत आंसर क्यों आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आंसर गलत दे रहे हैं आप सब, थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है, फोकस करिए। नर्सरी उगाने की विधि है बेटा, सीड बेड प्रिपरेशन मतलब क्या होता है, सीड बेड यहाँ पे जो लिखा हुआ ये देखिए, ये हिंदी पे मत जाइएगा, हिंदी पे मत जाना, पहले बता रहे हैं, ये आप लोगों का जो गलत हुआ ना, हिंदी देख करके गलत हुआ है बच्चों, वहां पे अंग्रेजी सर्वमान्य होगी, ये बात याद रखिएगा। तो ये हिंदी गलत थी, इसको इसके चक्कर में मत रहना। यहाँ लिखा हुआ सीड बेड प्रिपरेशन यानी कि बीज सैया की तैयारी, बीज सैया की तैयारी, इसकी सही हिंदी ये है, बीज सैया की तैयारी। मैं वही देख रहा हूँ, अधिकतर लोगों ने सी लगाया है, तो हिंदी को देख करके उन्होंने लगा हुआ, अंग्रेजी वाला हमेशा सर्वमान्य होता है। यहाँ पे नर्सरी रेजिंग लिखा हुआ है, तो नर्सरी उगाना जो होता है ये आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। तो हिंदी पढ़ करके आप लोगों ने गलती की, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा फिर से समझदारी दिखाइएगा, आगे से अंग्रेजी भी एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका भी बी वाला ऑप्शन सही होगा, नर्सरी उगाने की ये विधि है, ठीक है, नर्सरी उगाने की विधि है। डेपोक कहाँ से आया था, अभी थोड़ी पिछले वाली क्लास में ही हम लोगों ने जो है इसको सॉल्व किया था, कौन मेडागास्कर से था, कौन फिलीपींस से था, ये सब कुछ हम लोगों ने सॉल्व किया था। आगे चलते हैं, डीलिंटिंग ऑफ कॉटन। एक लड़का पूछ रहा है सर कितने नंबर का एक सवाल है, आप लोग एग्जाम के इतने नज़दीक आ गए हैं और अभी आपको यही नहीं पता कि मार्किंग कितने नंबर की होगी, और जबकि मैंने कई बार बताया भी हुआ है। हाँ, मनीला से है, 11 से 14 दिन में तैयार हो जाता है, बिल्कुल बात सही है। 5 नंबर का बेटा एक सवाल है, और 5 नंबर में अगर आपने सही किया तो 5 मिलेगा, गलत किया तो -1 मिलेगा, ठीक है। कपास की डीलिंटिंग करने से क्या फ़ायदा मिलता है, इसका आंसर दीजिए, डीलिंटिंग करने से क्या फ़ायदा मिलता है, डीलिंटिंग करने से क्या फ़ायदा मिलता है। जैसे लिंट जो होता है कपास के सीड के ऊपर, ये जो ऐसे जो कपास जो बना होता है उसके ऊपर जो धागा पाया जाता है उसे हम लोग लिंट कहते हैं। पानी दे दीजिएगा, तो पानी दीजिएगा, पानी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है अगर कोई बॉल वर्म है, कुछ भी है, ये सभी है, तो इसको खत्म किया जा सकता है, तो दूसरा वाला भी सही है। ग्रेडिंग ऑफ सीड मतलब ये होता है कि बीजों की क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको ग्रेड वाइज बांटना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, तो ये भी सही है। और क्विकर जर्मिनेशन, आपको बताए हैं कि अगर कॉटन के सीड का जर्मिनेशन आपको बहुत जल्दी चाहिए होता है या बहुत अच्छा चाहिए, तो उसके जो इसके जो बाहर या फज जो लगे हुए हैं और जो लिंट लगा हुआ है, फज और लिंट को आपको हटाना होता है, तभी आपको अंकुरण जो है जल्दी मिलता है। तो बेटा आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, आप सबका मोस्टली ऑप्शन भी यही है। पूछा जाता है डीलिंटिंग करने के लिए किस केमिकल का यूज किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है ज़्यादातर, और भी कुछ चीज़ें वो यूज होती हैं, जैसे गाय का जो गोबर होता है उसको पानी में घोल दिया जाता है, उसके अंदर बीजों को डाल करके ऐसे मला जाता है तो भी वो साफ हो जाता है, लेकिन मोस्टली आप याद रखिएगा H2SO4 का ही यूज किया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, चूज द करेक्ट आंसर इन द गिवन स्टेटमेंट अबाउट बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर के बारे में सही उत्तर का चुनाव करना है आपको, फटाफट रिप्लाई करिए बेटा। आज हम लोगों को 70 क्वेश्चन करना है, हम लोगों ने अभी 70 क्वेश्चन का आंकड़ा कभी टच नहीं किया, लेकिन आज हम लोग करेंगे, जल्दी से आप सब रिप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कवर भी करेंगे। फोर्थ, इतना जल्दी तो सिर्फ एक तुक्केबाज ही आंसर दे सकते हैं, या पढ़ लिए थे आप सब, कोई बात नहीं, मुझे पढ़ने में बेटा समय लगता है तो मैं पढ़ के ही आंसर बता सकता हूँ। एजोटोबैक्टीरियम बिजरिंकिया आर एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये बात सही है। एजोटोबैक्टीरिया और क्लास्ट्रिडियम आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ये भी बात सही है, स्वतंत्र जीवी होते हैं ये सभी। और एजो स्पायरेलम इज फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया यूजफुल इन राइस फील्ड, ये भी ठीक है। एजो स्पायरेलम का यूज किसमें किया जाता है, राइस के फील्ड में, ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए आपके पढ़ने का तरीका, मेरे पढ़ने का तरीका अलग होता है, जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ रहा होता हूँ तो मैं इन बातों को याद रखता हूँ कि एजो स्पायरेलम क्या है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ये आपको भी यहाँ से सीख के जाना है, सिर्फ इसका आंसर जान लीजिए ये बड़ी बात नहीं है, आपको एक एक लाइन के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि ये एरोबिक भी होता है और धान के खेत में यूज होता है एजो स्पायरेलम, ये भी याद रखना है। तो ये सभी सही है, इनमें से कोई गलत नहीं था बच्चों। आगे चलते हैं,
सही युग्म को पहचानना है, चूज द करेक्ट पेयर इन द फॉलोइंग। मालवेसी फैमिली में कपास भिंडी है, सोलेनेसी में तंबाकू और मिर्च है, ब्रेसिकेसी में कोल क्रॉप्स हैं और मूली है, एस्टेरेसी फैमिली में सनफ्लावर और सैफ फ्लावर है। क्या इनमें से कोई सही है या गलत भी है, इसमें से आपको पहचान के बताना है। ए बी डी ओनली, ए बी सी डी, सी एंड डी ओनली, ए बी सी ओनली, जल्दी से बताएं इनमें से क्या आपका आंसर होना चाहिए। बी, ठीक है बेटा, सबका आंसर बी वाला सही है। ये चारों चीजें बिल्कुल सही हैं। मालवेसी फैमिली में एक और इसी में आता है चाइना रोज, जिसको हम लोग बोलते हैं, गुड़हल का नाम देते हैं, ये भी इसी से है। सोलेनेसी में आपको बताए थे चोखा वाली फैमिली, बताइए किसका किसका चोखा बनेगा। तो आपका आलू की जरूरत पड़ेगी, टमाटर की जरूरत पड़ेगी, बैंगन की जरूरत पड़ेगी और मिर्च की जरूरत पड़ेगी। आलू, बैंगन, मिर्च, टमाटर, बाद में पचाने के लिए तंबाकू की भी जरूरत पड़ती है। तो आपका ये सारी फसलें इसमें आ जाती हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली है, तो ब्रेसिकेसी में कोल क्रॉप्स आती हैं, रेडिस आता है। तो आप कोल क्रॉप्स में कई सारे हैं, ठीक है ना, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ये सभी इसमें है। उसके बाद इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको जो याद करने वाली है वो मस्टर्ड वगैरह है, जो आपके एग्जाम में आती है। एस्टेरेसी फैमिली में देखा जाए तो सनफ्लावर, सैफ फ्लावर, ये खास करके हैं। तो इन सभी को आप याद रखेंगे, चारों के चारों आंसर बेटा सही थे। आगे चलते हैं। स्वीट पोटैटो की फैमिली कन्वोलवुलेसी होती, कई बार आप लोगों ने देखा हुआ है। क्या होती है? कन्वोलवुलेसी। ये कई बार हम लोगों ने देखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे स्थित है? लोकेटेड एट भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये आपका वाराणसी में है। इसमें भी कुछ बताना नहीं है यार, ये सब तो आप सब जानते ही हैं। अगर लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पे क्या क्या स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर यहाँ पे स्थित है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स यहाँ पे स्थित है, उसके बाद आपका यहाँ पे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, जो आपके खास करके हैं इंस्टीट्यूट, उनके बारे में आप जानते रहिएगा। कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च आपका यहां पे लोकेटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये चीजें स्थित है यहां पे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वाराणसी की बात की जाए तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान तो हो ही गया, उसके बाद इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो साउथ रीजन जो आपका सेंटर खोला गया है, इरी का एक ब्रांच यहां पे है, साउथ रीजन करके उसका नाम है, तो ये भी आपका यहां पे खोला गया है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का। नोएडा से संबंधित अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नोएडा में कुछ नहीं है, ये सब आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। सोयाबीन में तेल और प्रोटीन का क्या अनुपात होता है? सोयाबीन में तेल और प्रोटीन का क्या अनुपात होता है? देखिए, एक इसमें खास बात क्या होती है, रमन पटेल कह रहे हैं सर मॉक टेस्ट मिल रहा है क्या? ये सब आप टेक्निकल बातें हैं तो टेक्निकल टीम से बात करेंगे या सर लोगों से पूछेंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑयल एंड प्रोटीन इन सोयाबीन? सोयाबीन में बटो ऑयल का जो परसेंट होता है वो 20-22% होता है और जो प्रोटीन होता है वो 40-45% के आसपास में होता है, कहीं कहीं 40-42 भी मिल जाता है, कहीं कहीं आपको 40-42 भी किताबों में मिल सकता है, ठीक है, तो इतना होता है। तो ये अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 1:2 बन के आता है, तो 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला बेटा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पल्स क्रॉप प्रोडक्शन। दलहनी फसल के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद इन सभी में से मेजर कांस्टेंट इन पल्स प्रोडक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग लिखा हुआ है, जो करेक्ट आंसर है वो आपको पहचान के बताना है इन ऑप्शंस में से। चारों को बढ़िया से पढ़िए। कल्टीवेशन अंडर रेनफेड एग्रीकल्चर, रेनफेड कंडीशन की दलहनी फसलों की खेती, इसके बारे में देखना है ध्यान से कि दलहनी फसलों की खेती रेनफेड फार्मिंग में होती है, यानी वर्षा आधारित क्षेत्रों में होती है। ये पहला पॉइंट बेटा सही है। पर हेक्टेयर लो प्रोडक्टिविटी, इसकी उत्पादकता भी बहुत कम है बेटा। अरहर की देखा जाए तो मैक्सिमम 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल तक निकलता है, चना, उड़द, मूंग, इन सब की कैपेसिटी भी यही है, तो इनकी उत्पादकता कम होती है, ये बात ठीक है। सेंसिटिव टू द लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट, ये भी बात सही है।
हाई टेम्परेचर से भी अफेक्टेड हो जाता है, लो टेम्परेचर से भी अफेक्टेड हो जाता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों की कमी भी पाई जाती है दलहनी फसल के उत्पादन में। ये चारों बातें बेटा आपकी कैसी हैं, दलहनी फसल के उत्पादन में एक तरीके की बाधा है, ठीक है। दलहनी फसल की प्रमुख बाधाएं यही सब हैं, तो कौन कौन सी है, चारों हैं। तो आपका राइट आंसर बेटा ए बी सी डी चारों हो जाएगा। आप यहां पे अपना आंसर ध्यान से लगा लीजिएगा, ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन है येलो मोजेक वायरस, हाँ काफी लोगों का आंसर आया भी था बेटा। आप सब अगर यहां पे क्लास से रिलेटेड डिस्कशन या टॉपिक ऐसा कुछ अगर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ रुकिए, और नहीं तो फिर हम सामने वाली मैम को बोलना शुरू करते हैं कि भैया हटाना शुरू करिए या फिर लगाना शुरू करिए, जो भी है, ठीक है। कंसंट्रेट होइए बेटा, 10 दिन एग्ज़ाम बचा हुआ है आपका, और आप सब इस कंडीशन में हैं कि आप लोगों को जो है हर चीज़ समझानी पड़ रही है, तो दिक्कत है। येलो मोजेक वायरस ऑफ सोयाबीन इज ट्रांसमिटेड बाई, सोयाबीन का पीला मोजेक विषाणु किसके द्वारा प्रेषित होता है, किसके द्वारा वो फैलता है, आपको ये बताना है। पहला ही है बेटा, एकदम सही है, पहला ही है, व्हाइट फ्लाई ही इसको फैलाता है, व्हाइट फ्लाई ही इसको फैलाने का काम करता है। व्हाइट फ्लाई कई सारे डिजीज को फैलाता है, जैसे आप देखोगे लीफ कर्ल ऑफ टोबैको, है ना, लीफ कर्ल ऑफ टोबैको, टोबैको को भी यही फैलाएगा। उसके बाद लीफ कर्ल, जैसे टमाटर में है लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो, टोमेटो में भी यही समस्या होती है। अगर लीफ कर्ल ऑफ चिली की बात की जाए तो चिली में बच्चों जो होता है एफिड फैलाने का काम करता है, ठीक है ना। बाकी ये दोनों जो है आपका व्हाइट फ्लाई ही फैलाएगा। उसके बाद येलो वीन मोजेक वायरस जो भिंडी में लगता है, ओकरा में, ये भी उसी को फैलाने का काम करता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, व्हाइट फ्लाई के बारे में जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला सवाल है इनमें से किस फसल को तूर भी कहा जाता है, तूर किसको कहा जाता है ये बताइए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसको और किस नाम से जाना जाता है, रेड ग्राम के भी नाम से जाना जाता है, रहर के भी नाम से जाना जाता है, रहट के भी नाम से जाना जाता है, अरहर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है, इतने सारे नाम से इसको जाना जाता है। अब आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा। सोयाबीन के बारे में आएगा, क्यों नहीं आएगा बेटा, क्लासिफिकेशन तो है उससे संबंधित ना, कि ऑयल सीड क्रॉप है या नहीं है, उससे तो पूछा जा सकता है। तो इस तरह से वो आएगा, मतलब सिंपल क्वेश्चन आएगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है, अगर उनसे कोई सवाल आता है तो मान के चलना कि वो सिलेबस में नहीं था, फिर भी वो क्लासिफिकेशन से आ गया है, तो इसलिए उसको जानकारी रखना जरूरी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केजानस केजन, ये अभी आपका राइट आंसर आया है। विग्ना रेडिएटा की बात की जाए, विग्ना रेडिएटा किसका नाम होता है बच्चों, ये मूंग का नाम होता है, किसका, मूंग बीन का नाम होता है। और विग्ना मूंगो किसका नाम होता है, उड़द बीन का, जिसको हम लोग ब्लैक ग्राम कहते हैं, ये ब्लैक ग्राम का नाम होता है। केजानस केजन ये आपका अरहर है, और आपको बता देते हैं अरहर के इतने नाम होते हैं, ये सब आप लोग अरहर के नाम याद रखिएगा, इसे तूर भी कहा जाता है, इतने नाम होते हैं एक अरहर के। उसके बाद सीसर एराइटिनम, ये चना है, चिक पी इसको बोलते हैं, और चिक पी का साइंटिफिक नेम क्या है आप लोग जानते ही, इसको कॉमनली हम लोग ग्राम के नाम से भी जानते हैं, किंग ऑफ पल्सेस के नाम से भी जानते हैं। ये सब बेटा याद रख लीजिएगा, इतने नाम है चने अकेले अरहर की फसल के, ठीक है, तो आ सकता है एग्जाम में। अभी देखिए रेड ग्राम पूछा जा चुका है एग्जाम में, तूर भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, बाकी रहर रहट और ये सब बचा हुआ है, कभी भी आ सकता है। अगला सवाल, अगले सवाल का ऑप्शन यही है, इसी में से आपको बताना है, गलत कथन के बारे में चूज करना है, किसके संबंधित, अरहर में उकठा रोग से संबंधित जो है गलत विकल्प का चुनाव करना है, अरहर में उकठा रोग से संबंधित, अरहर का बहुत ही, अरहर का क्या, सभी पल्स क्रॉप का ही सबसे डेंजरस वीड है, सॉरी करेक्शन है यहाँ पे, सबसे मोस्ट डेंजरस डिजीज है जो कि आपके अरहर से संबंधित होती है, उसके बारे में आपको गलत कथन का चुनाव करना है, जल्दी बताएं। हाँ, चने को बंगाल ग्राम भी कहते हैं, किसी भी नोट से पढ़ो बेटा, बस सिलेबस कवर होना चाहिए, जितना सिलेबस आईसीआर के द्वारा या सीयूईटी के द्वारा दिया गया सिलेबस तैयार हो जाना चाहिए, आप कहीं से भी पढ़िए। फोर्थ, बहुत अच्छा बेटा, फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन आपका क्यों गलत है, यहाँ पे गलत पूछा, क्यों गलत है,
क्योंकि आपका जो विल्ट डिजीज होती है ये किसके द्वारा होती है? फंजाई के द्वारा। किसके द्वारा? फंजाई के द्वारा। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम एफ स्पीसीज केजानी, ठीक है ना, इसके द्वारा होती है। इसमें उडम, सॉरी उडम यहाँ पे है, तो उडम के द्वारा होती है। कभी कभी केजानी भी लिख करके आ जाता है ना, तो इसके द्वारा ये होती है। तो ये फंगस है। अब फंगस कह रहा है व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलाया जाएगा, तो ये गलत है। ये कभी व्हाइट फ्लाई के द्वारा नहीं फैलाया जाता, ये मैकेनिकल टूल्स के द्वारा फैलता है। इन्फेक्टेड मिट्टी अगर दूसरे खेत में चली गई तो फैलेगा, ट्रैक्टर के पहिए से ये फंगस फैल जाता है, या हमारे जूतों में चिपक के चला जाएगा, या फिर हमारे फावड़ा कुदाल इन सब में चिपक करके वो मिट्टी एक दूसरे जगह जब ट्रांसफर हो जाती है तब फैलता है, ना कि व्हाइट फ्लाई फैलाता है। तो यही उसके लिए गलत है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी बेटा आंसर सही थे, इसके बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यही आएगा आपके एग्जाम में सवाल भी कि विल्ट डिजीज किससे होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम एफ स्पीसीज उडम से होता है। मैडम देखिएगा, स्पैम वालों को तुरंत ब्लॉक करिए आज के सेशन के लिए, कई सारे लोग हैं आंसर रिप्लाई कर दें तब भी, उसके बावजूद भी। उसके बाद फंजाई सर्वाइव इन सॉयल, इट इज सॉयल बॉर्न डिजीज, ये भी याद रखिएगा। कवक के बारे में, किसी भी विल्ट डिजीज के बारे में, अगर ये सॉयल में सर्वाइव करता है कि नहीं करता है, तो करता है। सॉयल बॉर्न डिजीज है, जी हाँ है, मृदा में ही ये जन्म लेती है, वहीं पर रहती है। ये किसको प्रभावित करता है? तो जड़ों को प्रभावित करता है, रूट को ही ये अफेक्ट करता है, ठीक है ना, जड़ों को ही प्रभावित करता है। जड़ों को ही ये प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एंड होल प्लांट ड्राई आउट ड्यू टू चौक जाइलम, ये भी पूछा जाता है किस डिजीज के अटैक करने से प्लांट का जाइलम सूख जाता है या मर जाता है, तो आपका विल्ट डिजीज है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्टेरिलिटी मोजेक डिजीज इन पिजन पी इज कॉज्ड बाय स्टेरिलिटी मोजेक वायरस एंड स्प्रेड बाय। अब आपको ये बताना है, अरहर में मोजैक रोग जो कि बांझपन रोग कहलाता है के कारण, वायरस के कारण होता है, या किसके द्वारा फैलाया जाता है, इसका आंसर आपको देना है। ये किसके द्वारा फैलता है? ए ठीक है, माइट्स के द्वारा, बहुत अच्छा बेटा। अब इसी में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको एक ही चीज दिखाई देती है, जैसे वो नहीं, आपको एक कहावत बोली जाती है, किताबों में भी मिलती है, ये मत कहिए कि नागेंद्र सर अलग से लेके आए हैं, कहा जाता है लकीर के फकीर। तो ये क्यों बोला जाता है? वो कुछ नहीं सुनते हैं, कहते नहीं भैया यही याद है तो हम यही लगाएंगे। व्हाइट फ्लाई उनको सब जगह याद होता है, अभी मैंने बताया था व्हाइट फ्लाई कहाँ कहाँ काम करता है। इसको फैलाने का काम कौन करता है? माइट्स करता है, इसको मकड़ियां कहते हैं, इसको हम लोग मकड़ी कहते हैं बेटा, मकड़ी फैलाती है, इसका साइंटिफिक नेम इरियोफाइट्स माइट्स भी होता है, ठीक है। ये स्टेरिलिटी मोजेक वायरस है, SMD के नाम से भी आपके एग्जाम में आ सकता है, स्टेरिलिटी मोजेक डिजीज, ये अरहर की है, इसके नाम से भी आ सकता है। इन एन एवरेज वेल डीकम्पोज्ड FYM मैन्योर कंटेंट, एक औसत अच्छी तरह से अपघटित होने के बाद गोबर की खाद में, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, गोबर की खाद, गोबर की खाद में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाएगा, फास्फोरस पाया जाएगा या पोटेशियम पाया जाएगा? बड़ा आसान सा ये सवाल है, सभी हैं, बहुत अच्छा बेटा सभी हैं, क्योंकि 0.5% 0.20 या कभी कभी 25% आता है, और 0.5% ये इसका रेशियो होता है, ठीक है ना, ये इसका रेशियो होता है NPK का। तो आपका ये N है, ये P है, ये K है, इसलिए आपका सभी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन मार्फोलॉजी द वीड्स आर क्लासिफाइड इनटू, बताएं फसलों, ये घास का वर्गीकरण है खरपतवारों का बेस्ड ऑन मार्फोलॉजी, पौधों की आकारिकी के आधार पर खरपतवारों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, कितने प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है?
ठीक है, सभी का आंसर सही बेटा। ग्रासेस होती हैं, ये मोनोकॉट बीड होती हैं। आप सबका आंसर मैंने देख लिया, मोनोकॉट बीड होते हैं। ये नैरो लीफ बीड कहलाते हैं। नैरो लीफ बीड मतलब पतली पत्ती वाले खरपतवार या संगरी पत्ती वाले खरपतवार भी ये कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो ग्रेमली फैमिली वाले ज्यादातर आते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो ग्रेमली फैमिली के ज्यादातर दिखाई देते हैं। इनकी पत्तियां बहुत पतली होती हैं। ठीक है, और ये जो सेजेस होते हैं बच्चों, इनको मोथा हम लोग कहते हैं। ये मोथा होते किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? साइप्रेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। साइप्रेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं और ये दुनिया के सबसे खतरनाक खरपतवारों में से होते हैं। ब्रॉड लीफ बीड की अगर बात की जाए तो ये ज्यादातर कैसे होते हैं? BLW भी इनको बोला जाता है। और उम्मीद ये ज्यादातर डाइकॉट के ही होते हैं, द्विबीजपत्री ही होते हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग, हम लोग तीनों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग हर्बिसाइड का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे खरपतवार जो कि मिश्रित वृद्धि वाले पौधों की प्रजातियों में कुछ प्रजातियों को मारती है क्या कहलाती है? ए हर्बिसाइड व्हिच किल्स सम स्पीशीज इन ए मिक्स्ड ग्रोथ प्लांट स्पीशीज दैट टर्म एज। मतलब कह रहे हैं कि अगर हजार पौधे हैं, हजार पौधे में से कुछ ही पौधों को जो मारने का काम करता हो, ऐसे हर्बिसाइड को हम क्या बोलेंगे? बहुत आसान सा इसका रिप्लाई होगा बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेलेक्टिव हर्बिसाइड उनको बोलते हैं, ऐसे जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं, है ना। जैसे आपका CUET जो एग्जाम हो रहा है, वो भी उसमें भी 4 लाख, 5 लाख लोग, 10 लाख लोग, ऐसे देखा जाए 9,50,000 लोग बैठेंगे। ठीक है, लेकिन उनमें से अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो 80,000 से 90,000 के आसपास में बच्चे होंगे, इससे ज़्यादा है नहीं उसमें। अब 80,000-90,000 बच्चों में से उनको सेलेक्ट करना है उतनी ही सीटें जितने यूनिवर्सिटी में पाई जाती हैं। ठीक है, BHU में इतनी सीट है, उनके वहाँ इतनी सीट है, तो उनका क्या हो रहा है? यहाँ पर सेलेक्शन होगा। तो सेलेक्शन किस आधार पर होगा? कि भैया जो उस सीट के लायक होगा वो पहुँचेगा। तो वैसे ये खरपतवार नाशी होते हैं, जो स्पेसिफिक प्लांट होंगे उन्हीं को मारेगा, सभी फसल को नहीं मारने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर से एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, 2,4-D एक ऐसा खरपतवार नाशी बेटा जो कि कहां यूज किया जाता है? आपके ग्रेमनी फैमिली के पौधों में या अनाज वाली फसलों में, अनाज वाली फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए यूज होता है। कौन से? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को। अब अगर आप गेहूं की फसल में 2,4-D का छिड़काव करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार ही मरेगा। यानी बथुआ मर सकता है, जंगली पालक मर सकती है, जंगली सरसों मरेगी। इसके अलावा गेहूं की फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फ्लेरिस माइनर को यह कंट्रोल नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें सल्फोसल्फ्यूरान की या फिर आइसोप्रोट्यूरान की अगर हम बात करें तो किसको मारेगा? ये दोनों के दोनों आपके फ्लेरिस माइनर को मारने का काम करेंगे, है ना। फ्लेरिस माइनर को मारने का काम करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक उसी के लिए है। तो ऐसे खरपतवारों को हम सेलेक्टिव हर्बिसाइड कहते हैं बेटा। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऐसे खरपतवार जो एक तरफ से सभी प्लांट्स को मारने का काम करते हों। वो ना तो गेहूं को पहचानेगा और ना ही खरपतवार को। वो कहेगा कि आप मेरे कॉन्टेक्ट में आ गए हो, अब सबको मैं खत्म कर दूंगा। हर एक प्लांट को वो मारने का काम करता है। जैसे आपका ग्लाइफोसेट है, डाइक्वाट है, पैराक्वाट है, ये सब इसी के कैटेगरी में आते हैं। कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड मतलब बच्चों होता है ऐसे हर्बिसाइड जो हर्बिसाइड के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, तो वो उनका नर्वस सिस्टम या जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो तो सब कुछ जो है कॉन्टेक्ट में लेने के बाद पौधे को पूरा का पूरा सफाया कर देते हैं। तो नॉन सेलेक्टिव और कॉन्टेक्ट एक तरीके से एक ही टाइप के हर्बिसाइड होते हैं। तो आपका इसमें बेटा राइट आंसर पहला हो जाएगा। आगे चलिए, जाइगरोग्रामा बाइकोलोराटा जो बीटल है वो किस पौधे की पत्तियों को खाने का काम करता है? जाइगरोग्रामा बाइकोलोराटा, बेटा ये सब सारे क्वेश्चन आप टेक्निकल टीम से पूछा करिए। BBG गेमिंग ट्यूब, यार कम से कम ईमेल आईडी का नाम सही तो लिखा करिए, कम से कम नाम से पहचान तो हो सके आपकी। ये सब टेक्निकल टीम पे फोन करके आप बात कर लिया करिए, ये सब चीजें मेरे पास नहीं होती है इंफॉर्मेशन। नहीं बेटा, तुरंत नहीं पता चल जाता है नंबर का, काफी टाइम लगता है।
अभी नहीं बेटा, मिशन इंडियन आर्मी सर हॉर्टिकल्चर में फ्लावर्स वाला टॉपिक अभी नहीं हुआ बेटा, फ्लावर वाला टॉपिक एग्रोनॉमी के बाद होगा, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के बाद। एक दो दिन और वेट कर लीजिए, कल वाली क्लास के बाद में भी उसका शुरुआत हो जाए। ठीक है, सबका आंसर बी आ रहा है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम इसका पूरा नाम क्या बेटा, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। और ये हिस्टेरोफोरस जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गाजर घास के नाम से भी जानते हैं, इसी को पार्थेनियम घास के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जाइग्रोग्रामा बाइकोलोराटा का यूज इसी पे किया गया था पार्थेनियम को कंट्रोल करने के लिए। वाटर हाइसिंथ को अगर कंट्रोल करना है तो आपको मैंने बताया है राइजोक्टोनिया ब्लाइट नाम की डिजीज पैदा होती है बायोलॉजिकल कंट्रोल में, वो इसको खत्म करता है। लैंटाना कैमारा को खत्म करने के लिए लैंटाना बग का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 69 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा, फर्टिलाइजर से ये क्वेश्चन है। ठीक है, फर्टिलाइजर से क्वेश्चन है, पेपर तो पूरा ही होगा बेटा जब ईमानदारी से पढ़े रहोगे तो, अच्छा भी हो सकता है, नहीं पढ़े रहोगे ईमानदारी से तो आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। दोनों चीज़ें हैं, शर्तें एक ही है, अच्छे से रिवाइज करके जाइए। मैं यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं देता कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं, इन्हीं में से आएगा। बस आप लोग पूरी कोशिश करिए एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की। अब तो आपकी चॉइस है, जहाँ भी आप लेना चाहें, नागालैंड लें या बीएचयू लें। दुनिया भर में बीएचयू के बच्चे छाए हुए हैं और आप नागालैंड की बात करते हैं। सब बोलते हैं बाबू भोजपुरी, अवधी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, ऐसी जो हमारे आसपास जो जितनी लैंग्वेज है लगभग लगभग सभी बोलते हैं, समझते पूरी हैं, बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो सकती है। नीम कोटेड यूरिया, नर्व सेल, थायो यूरिया, स्लो रिलीजिंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये स्टेटमेंट बेटा आपका सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, अंडर एक्वेटिक कंडीशन जलीय अवस्था में लीचिंग, या लीचिंग मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजर्स का जल के द्वारा नीचे बह करके चला जाना, नाइट्रोजन लॉस ऑफ नाइट्रोजन इज मैक्सिमम एक्वेटिक कंडीशन में। तो बेटा हमेशा याद रखना, जब भी खेत में पानी भरा जाएगा तो पानी रिसाव हो करके ही नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो आपका जो होगा स्टेटमेंट वन और टू दोनों सही होगा। तो आपका पहला आंसर बेटा सही, आप सबका आंसर सही था, मोस्ट लोगों का आंसर सही था। आगे चलते हैं, आदर्श चौहान, अरे बेटा ऐसा क्या हो गया है, नाम तो ले ही रहे हैं। चलिए आंसर दीजिए आप सब, बस नागालैंड यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है बेटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन दी फॉलोइंग, इनमें से गलत जोड़ा आपको पहचानना है। माइकोराइजा किसका किसका एसोसिएशन होता है, प्लांट रूट और फंगस का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइकेन किसका होता है, शैवाल और कवक का। राइजोबियल एसोसिएशन किसका होता है, दलहनी फसलों का और राइजोबियम बैक्टीरिया का। और चौथा है नन ऑफ दीज इज रॉन्ग, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। आपका आंसर क्या होगा, डी, बहुत बढ़िया, इनमें से कोई बेटा गलत नहीं है, सब के सब सही हैं, सभी सही हैं। माइकोराइजा किसका अवेलेबिलिटी करवाता है प्लांट को, फास्फोरस का, जिंक का, और सबसे अच्छा माइकोराइजल एसोसिएशन किस में पाया जाता है, लीची वगैरह में पाया जाता है। ये मैंने आपको कई बार बताया, लीची में, पाइनस में, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, मोस्टली ये फास्फोरस अवेलेबल करवाता है। लाइकेन क्या होते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस के पॉल्यूशन को बताते हैं, ये इस पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, है ना, ये पॉल्यूशन के क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, ये इकोलॉजिकल इंडिकेटर भी कहलाते हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी बोले जाते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, वैसे ही इनकी संख्या कम होने लगती है, किसकी, लाइकेन की। राइजोबियल एसोसिएशन क्या होता है, दलहनी फसलों के साथ राइजोबियम बैक्टीरिया का पाया जाना ही होता है। तो ये तीनों के तीनों बेटा सही थे, कोई गलत नहीं था, यहाँ गलत जोड़ा पहचानना था, कोई गलत इसमें नहीं है। आगे चलिए, एजोला इज वाइडली यूज बायो फर्टिलाइजर इन विच क्रॉप इन दी फॉलोइंग, इनमें से किस में यूज किया जाता है, मैथिली बोले छे ना बोल छे,
बी नंबर ले आओ बेटा, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ो बस नंबर ले आना, स्कोर कार्ड ऐसा खड़ा कर दो कि जिसके सामने भी रखो ना वो मना ना कर पाए तुमको, कि बीएचयू वाला हो या आईसीआर वाला हो या कोई भी हो, नागालैंड का हो या पश्चिम बंगाल वाली यूनिवर्सिटी हो, विश्व भारती कोई भी हो, बस ऐसे स्कोर कार्ड दिखाओ, देखते भर में उसकी आंखें पुतलियां बड़ी हो जाए, तुरंत बोले बेटा आओ मेरे यहाँ पढ़ो, इतना स्कोर कार्ड खड़ा कर लो, इसके बारे में और कुछ सोचना नहीं है। सीधी सीधी एक बात है यार, स्कोर कार्ड अच्छा लाइए, टेंशन खत्म। एक बात दिमाग में रख लीजिए कि हमको स्कोर कार्ड अच्छा बनाना है, 75% से ज्यादा स्कोर करना है, 120 क्वेश्चन है उसका 75 मिनिमम आप मान के चलिएगा, उसके बाद कुछ मत सोचिए। ना पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा सोचते हैं, पढ़ने वाले कुछ नहीं सोचते, कर्मण्येव अधिकारस्ते माप फलेषु कदाचित। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ कर्म करते जाइए, फल वल की चिंता मत करिए। एजोला व्यापक रूप से किस फसल में उपयोग किया जाता है, धान के रूप में, धान की फसल में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और किसके साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ जब इसका यूज किया जाएगा तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है। एजोला मतलब अगर धान के खेत में ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हरी शैवाल के साथ यूज किया जाएगा तो इसका इफेक्टिवनेस ज्यादा होता है। अगला सवाल बायो फर्टिलाइजर से ही है बेटा, निम्नलिखित में से जैव उर्वरकों के बारे में से गलत कथन का चयन करिए। अरे यार आप लोग अगर सिर्फ तनाव में बैठे रहेंगे कि नंबर किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, क्या करना है, ऐसे नहीं होता है। अब हम लोग भी जो है पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं तो हम लोग कभी नंबर के बारे में नहीं सोचते हैं। अब जैसे एग्ज़ाम देना था पीसीएस वाला, जैसे मैंने दिया तो वहाँ पर क्या सोच के बैठे हैं कि कौन सा ब्रांच हमको मिलेगा, कौन सी पोस्ट हमको मिलेगी, तो ये सब की चिंता नहीं करनी चाहिए। जितना आप मेहनत किए हैं पढ़ने में उतना पढ़ के बढ़िया से लिखिए, उसके बाद आपको जो होगा देखा जाएगा, और जो हुआ वो अच्छा हुआ क्योंकि हमने पढ़ाई अच्छी की थी, हमारे मन मुताबिक हमको पोस्ट मिल गई, बहुत खुश हैं। अगला प्रमोशन असिस्टेंट डायरेक्टर का, फिर डिप्टी डायरेक्टर का है, फिर कृषि विभाग निदेशक हो जाएंगे, ठीक है ना, निदेशक बन जाएंगे, उसके बाद तीन प्रमोशन में यूपी की सबसे बड़ी नौकरी होगी हमारी। तो सिर्फ काम करिए बस। आप लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ इसी से हो जाता है, यार टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद ही कुछ होगा, रिजल्ट वगैरह सब जो भी होगा वो पढ़ाई से निकल के आता है, टेंशन से सोचने से नहीं आता है। ठीक है, दूसरा वाला आंसर आप लोगों ने दिया हुआ है, एजोटोबैक्टर क्रोकम इज फ्री लिविंग एनरोबिक बैक्टीरिया, फिर से भैया ठीक है, एजोटोबैक्टर इज कॉमनली यूज फॉर पिजन पी इन ग्राउंडनट क्रॉप, एजोटोबैक्टर इज यूज कॉमनली फॉर पिजन पी इन ग्राउंडनट क्रॉप, गलत है। एजोटोबैक्टर हमेशा कहाँ यूज होता है, नॉन लेग्यूम क्रॉप में, गैर दलहनी फसलों में, ठीक है ना। तो गैर दलहनी फसल कौन सी है, इसमें से पिजन पी तो है नहीं, तो आपका यही आंसर बेटा गलत निकल के आ गया, ठीक है। तो अब इसके अलावा मत पढ़िए, काफी क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, आगे बढ़िए। बिलो गिवन आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में कुछ विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन अगले पेज में है, ध्यान दीजिएगा, पहले आप ध्यान से इसको पढ़िए, पढ़ करके बताइए क्या इसमें से सही है क्या गलत है। सभी सही हैं, ऑप्शन दिखा देते हैं, ऑप्शन ये हैं ए एंड सी, ए बी सी, बी एंड सी और ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सूक्ष्म, अच्छा कहाँ पे थे हम लोग, हाँ इस पे थे, राइजोबियम जीवाणु लेग्यूमिनस क्रॉप के साथ, रूट नोड्यूल के साथ ये अपना एसोसिएशन बनाता है, ठीक है। राइजोबियम इज डाया एजोट्रॉफिक बैक्टीरिया फिक्सेस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू रूट नोड्यूल्स, ये भी बात सही है। राइजोबियम इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर, ये भी बात सही है। राइजोबियम इज सॉयल बैक्टीरिया दैट फिक्सेस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू रूट नोड्यूल, ये भी बात सही है। चारों सही बेटा, इनमें से कोई गलत नहीं है। अब आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 273 का आंसर है डी वाला, ऑल ऑफ दीज, ऐसे नहीं याद रखना है, ये लाइन याद रखनी है, आंसर तो वहां कुछ भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 274 का देखिए,
फॉलोइंग इज ए माइक्रोसिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर। माइक्रोसिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है बेटा। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं डी याद कर लेते हैं। सर 273 का डी वाला था ना, अब पता चला एक ऑप्शन मैंने कम कर दिया, उसके बाद डी का सी हो जाएगा, तो ऐसा मत करिएगा। ट्रिपल सेंचुरी हाँ लगेगी बेटा, 320 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करेंगे, 70 क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप लोग स्पीड बढ़ाएं बस। ठीक है मोहित शर्मा, सिर्फ और सिर्फ राइजोबियम होगा, आगे बढ़िए। एजोटोबैक्टर फिक्सेस दी नाइट्रोजन बाय विच प्रोसेस, एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस प्रक्रिया से करता है, आपको इसका आंसर देना है। सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी रूप से करता है, ए सिम्बायोटिक, अरे यार कट गया तो पूरा, सहजीवी रूप से करता है ये सिम्बायोटिक, असहजीवी रूप से एसोसिएशन के द्वारा करता है, एसोसिएशन मतलब तो सहजीवन, ठीक है ना, ये भी वो क्या होता है, सहजीवन ही होता है। ठीक है बताइए इसमें से क्या होगा, एजोटोबैक्टर है ना ए सिम्बायोटिकली, बी वाला आंसर जिसका जिसका है उसका सही है, बी वाला आंसर बेटा जिसका है सही है, ए सिम्बायोटिकली। एजोटोबैक्टर कभी भी सिम्बायोसिस नहीं दिखा सकता, वो हमेशा जड़ों से दूर रह करके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, फ्री लिविंग होता है, स्वतंत्र जीवी होता है, इसीलिए ए सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में पोटेशियम को घुलनशील बनाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचानिए जो पोटेशियम को घुलनशील बनाता है। अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आप भी स्पीड बढ़ा लीजिए, सिर्फ 13 मिनट बचे हैं और मैं 13 को 23 मिनट मान के चल रहा हूं, 10 मिनट ज्यादा पढ़ाऊंगा, जल्दी से आप सब स्पीड बढ़ा लीजिए। माइक्रोसिम्बायोंट ही है बेटा राइजोबियम, ये भी याद कर लीजिएगा, वो नया शब्द है, इसीलिए मैंने नया शब्द आपके सामने रखा कि आप सबको अवेयरनेस हो जाए कि माइक्रोसिम्बायोंट लिख करके आएगा तो भी आपको राइजोबियम ही लगाना है। ठीक है, अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं रहता है, दिक्कत यही है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको उसका दर्शन कराऊं, उससे आपको अवगत कराऊं। ठीक है, आपका राइट आंसर है एस्परजिलस बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रिडियम, ये सभी के सभी बेटा पोटेशियम को सोल्यूबल बनाते हैं, यहां लिखा हुआ पोटेशियम के लिए। माइकोराइजा फास्फोरस को अवेलेबल करवाता है, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी का भी नाम देते हैं, और ये नाइट्रोजन तथा ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैविक पदार्थ का उपलब्धता बढ़ाता है। स्यूडोमोनास फास्फोरस को घोलक बनाने में हेल्प करता है, स्यूडोमोनास किसको करेगा, फास्फोरस को, और ये पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है पहला वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माइकोराइजा इन दी फॉलोइंग, इनमें से गलत विकल्प को पहचानना है, वो भी किसके संबंध में, माइकोराइजा के संबंध में आपको गलत विकल्प को पहचानना है, याद रखिएगा माइकोराइजा के बारे में आपको पहचानना है। सुधांशु यादव इत्र की नगरी कन्नौज से हैं, बताइए सबसे ज्यादा कन्नौज से किस फ्लावर का इत्र बनाया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है, आपसे यही सवाल रहेगा सुधांशु यादव से, इत्र की नगरी से आप हैं तो कन्नौज से सबसे ज्यादा किस प्लांट के, किस फ्लावर प्लांट के इत्र का एक्सपोर्ट किया जाता है। माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये बेटा एकदम सही है, उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों के साथ कवक जब जुड़ जाता है उसे माइकोराइजा कहते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, और यहां पूछा है क्या गलत वाला, माइकोराइजा लीची में फास्फोरस और जिंक की उपलब्धता बढ़ाता है, ये भी बात सही है, अभी भाई मैंने बताया माइकोराइजा फास्फोरस और जिंक देता है। फिर माइकोराइजा जो होता है सहसंबंध भी दिखाता है,
अच्छा यहाँ लिख रहा है हार्मफुल है, तो कभी बेटा हार्मफुल नहीं हो सकता है, आप सबका आंसर भी सी ही आया है। बहुत बढ़िया, आप सबका आंसर भी बच्चों सी आया है, तो तीसरा वाला ऑप्शन ही गलत है, इसीलिए क्योंकि ये हार्मफुल कह रहा है, कभी भी माइकोराइजे हार्मफुल नहीं होते हैं, बेनिफिशियल ही होते हैं। फिर लिखा हुआ है वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा जो होता है, ये इसका पूरा नाम है, एंजियोस्पर्मिक होता है, फाइकोमाइसिट्स होता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही था, तीसरा वाला बेटा गलत है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, धान के खेत में नाइट्रोजन फिक्सर के रूप में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है। अभी ये क्वेश्चन शुरुआत में ही ये क्वेश्चन आया था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए बताइए। क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर मिलेगा, सही बात है। शकुनी मामा जो थे, एक उनकी बहुत अच्छी डायलॉग थी, वो मुझे याद कभी कभी आता है, कभी कभी याद आता है वो डायलॉग, आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है वो। अभी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था वो, कभी कभी जब मोबाइल उठा के देखता हूँ तो अच्छा भी लगता है ना, कि रणभूमि में युद्ध होने से पहले मनोभूमि में युद्ध की कल्पना करना बहुत आवश्यक होता है, ये उसके मुंह से निकला हुआ डायलॉग था। तो रणभूमि में जाने से पहले युद्ध जो है वो मनोभूमि में होना चाहिए, यहाँ पे दिमाग में चलते रहना चाहिए कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, मैंने पढ़ा या नहीं, कुछ छूट गया है क्या, वो सब कुछ कर लीजिए पहले ही, उसके बाद रणभूमि में उतरिएगा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो वैसे ही उसकी जो कहावत है, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो बोलता है ना, सीखने वाली चीज़ें हैं, बस आप लोग नहीं सीख पाएंगे। आइए देखते हैं, अभी मैंने बताया था एजो स्पाइरिलम ही है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है धान के खेत से संबंधित। बेटा एक तो आपका एजोला है, प्लस आप यहाँ पे एक ही एल लिखिए, डबल एल मत लिखिए, एक तो एजोला है, ये ब्लू ग्रीन एलगी के साथ काम करेगा, और एक आपका एजो स्पाइरिलम है जो कि है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। ये तीन बायो फर्टिलाइजर धान के खेत में यूज होते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व कराया था। आगे बढ़िए, कवक और उच्च वर्ग के पौधों के बीच सहजीवी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, फंगस और उच्च वर्ग के पौधों का जो सहजीवन होता है वो माइकोराइजा कहलाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं मैं आपको, ध्यान से सीखिए, माइकोलॉजी मतलब क्या होता है बेटा, आइए ये माइकोराइजा अब आप जीवन में नहीं भूलने वाले। देखिए समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक एक टॉपिक पर PhD करा देता अभी। देखिए ध्यान से, माइकोराइजा ये किन शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से, एक तो बना है माइको से, दूसरा बना है राइजा से। माइको मतलब क्या होता है, माइकोलॉजी, माइको मतलब क्या होता है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फंजाई का, किसका, कवक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कवकों का अध्ययन होता है। अब बचा दूसरा शब्द राइजा, राइजा से इसका मीनिंग होता है राइजोस्फीयर से, किससे, राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर मतलब बच्चों क्या होता है, पौधों का जो जड़ क्षेत्र होता है उसे राइजोस्फीयर कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जड़ क्षेत्र, क्या बोलेंगे, जड़ क्षेत्र। तो राइजोस्फीयर किस पे बनेगा, रूट पे। तो जो उच्च वर्ग की पौधे होंगी उनकी जड़ें प्लस उस पे पाया जाने वाला कवक, इन दोनों का सहसंबंध क्या कहलाएगा, माइकोराइजा कहलाएगा। इतनी ही तो बात बोली जा रही है, यही बात समझनी है आपको, ये छोटी सी बात थी, ऐसे करके अगर पढ़ाना हो तो बहुत जल्दी आप सबका तैयार होता है, लेकिन समय की कमी है इस वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाँ ये वाला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन वेजिटेबल एंड कॉटन फील्ड। इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर है जो सब्जियों में और कपास के खेत दोनों में प्रयोग किया जा सकता है, जल्दी बताएं। ठीक है, एजोटोबैक्टर, बायो फर्टिलाइजर वेजिटेबल में अधिकतर एजोटोबैक्टर ही यूज होते हैं, कॉटन में भी एजोटोबैक्टर यूज होगा, सिंपल सी बात है। अगला सवाल है, अभी भी एजोटोबैक्टर से ही चल रहा है, सक्सेसफुल बायो फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड, फिर से आ गया रिपीट होकर के, फिर से रिपीट होकर के आया है कि सक्सेसफुल बायो फर्टिलाइजर धान के खेत के लिए, बताइए धान के खेत के लिए, राइजोबियम कभी धान के खेत में प्रयोग हो नहीं सकता, राइजोबियम ट्राइफोली ये लिखा हुआ है, राइजोबियम ट्राइफोली बरसीम में प्रयोग होता है, तो ये बरसीम का हो गया, तो बरसीम में ये होता है, ये राइजोबियम तो आपका हो गया लेग्यूम में,
तो इसको हम लोग इसमें यूज कर नहीं सकते हैं। ठीक, फिर आया सेस्वेनिया बिस्पाइनोसा, सेस्वेनिया बिस्पाइनोसा और एजोला पिन्नाटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है राइस फील, वो भी बायो फर्टिलाइजर लिखा हुआ है। तो बायो फर्टिलाइजर हमेशा एजोला ही हो सकता है, जबकि सेस्वेनिया भी आपका रहेगा अगर ये ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप में दिया जाता, तो हरी खाद की अगर फसल के बारे में बात की जाती तो आपका ये हो सकता था। अगर ग्रीन मैन्यूअल हरी खाद के बारे में बात करता तो ये आपका तीसरा हो जाता, लेकिन बायो फर्टिलाइजर लिखा हुआ है इसलिए आपका चौथा ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा। अब पूछा जाता है एजोला की कौन सी स्पीसीज सबसे ज्यादा धान के खेत में प्रयोग की जाती है, या पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली एजोला की स्पीसीज का नाम बताइए, तो उसका नाम है एजोला पिन्नाटा, एजोला पिन्नाटा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसमें से आपको दिए गए कथनों में से सही उत्तर का चयन करना है। यार कितना सवाल है बायो फर्टिलाइजर पे, अभी खत्म ही नहीं हुआ। चलिए ये लास्ट सवाल है बायो फर्टिलाइजर पे, इसके बाद हम लोग न्यूट्रिएंट्स पे उस पे आ जाएंगे, फर्टिलाइजर्स पे आ जाएंगे। एजोला पिन्नाटा, ठीक है, इसका आंसर है बायो फर्टिलाइजर के बारे में सही उत्तर का चुनाव बताना है ना। एजोटोबैक्टर एंड बिजरिंकिया एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ये भी सही है। एजोटोबैक्टर क्लास्ट्रिडियम फ्री लिविंग, ये भी सही है। एजोस्पोरम फ्री लिविंग, ये भी सही है। ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, आप लोग घर पे ध्यान से पढ़िएगा इसको। आइए अगले सवाल की ओर। ये बच्चों है पोषक तत्वों की कमी के लक्षण से, आपके सॉइल साइंस के चैप्टर में लिखा हुआ है सीयूईटी के सिलेबस में कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व तो उनके कार्य तथा कमी के लक्षण। तो यहाँ से एक सवाल है, क्लोरोसिस इन बिटवीन द विंस, क्लोरोसिस क्या होता है, दो सिराओं के बीच में होता है क्लोरोसिस, विंस हरी रहती हैं, ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है, और लीफ की मार्जिन जो होती है उसमें पीलापन आ जाता है, मुड़ जाती है, और ये सारी कमी किसकी है, मैग्नीशियम एलिमेंट की है, किसकी, मैग्नीशियम एलिमेंट की है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है मैग्नीशियम इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोफिल, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल एंड हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सुगर केन क्रॉप। बहुत जबरदस्त, जल्दी से इसका आंसर दें आप सब बेटा, ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सब एकदम याद कर लीजिएगा, ये सवाल बहुत ही खास है आपके एग्जाम के पर्पज से, बहुत ही खास है बच्चों, बहुत ही खास है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोसिस आती है जब भी, तो लॉस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोसिस, पर्णहरिम की कमी ही जो क्या कहलाती है, वो क्लोरोसिस कहलाती है। क्लोरोसिस हमेशा मैग्नीशियम की कमी से होता है, मैग्नीशियम ही होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट का एक इसेंशियल एलिमेंट होता है, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है क्लोरोफिल का, सॉरी क्लोरोफिल का, तो क्लोरोफिल बनाएगा कौन, मैग्नीशियम, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो पीलापन आ जाएगा। नसें हरी रहती हैं, उसकी जो पत्तियों की सिराएं हैं बच्चों वो हरी रहती हैं, लेकिन बीच का जो पत्ती वाला हिस्सा होता है वो सारा का सारा पीला पड़ जाता है। आगे चलते हैं, लग्जरी कंजम्पशन इनमें से किस फसल से संबंधित है। थैंक यू अभिनव, और अभिनव आपसे रिक्वेस्ट है स्पैम मत किया करिए भाई, स्पैम करने से कई लोगों का ऑप्शन या आंसर हाइड हो जाता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, स्पैम वगैरह मत किया करिए आप सब, सभी को मैं सलाह देना चाहूंगा। येलो लीफ इज ड्यू टू नाइट्रोजन, येलो लीफ वो भी वी शेप में जब होती है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आती है। पोटेशियम, बहुत बढ़िया बेटा, पोटेशियम, पोटेशियम एलिमेंट ही है जो कि लग्जरी कंजम्पशन से संबंधित होता है, तो आपका ये वाला सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, स्टेटमेंट लिखा हुआ है पोटेशियम आयन हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा इन लीफ, ये पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी और उससे लक्षण से ही संबंधित सवाल है। स्टेटमेंट वन है पोटेशियम जो होता है स्टोमेटा के खुलने और बंद करने में मदद करता है, रेगुलेशन मतलब होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्या होता है, ओपन और क्लोज करने में मदद करता है स्टोमेटा को, ठीक है। दूसरा कथन लिखा हुआ पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड इंसेक्ट डिजीज रेजिस्टेंस इन क्रॉप, ये भी बात सही है, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट बेटा सही है, एकदम जबरदस्त पॉइंट है, रट लेना ये दोनों स्टेटमेंट, आपके एग्जाम में अगर आया तो इन्हीं से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठ करके आएगा, पोटेशियम से, अगर पोटेशियम से आया तो दोनों सही है बेटा, बहुत बढ़िया आप सबका आंसर था। अगला सवाल फिर से पोटेशियम के बारे में ही आ गया, पोटेशियम के कार्य के बारे में आपको बताना है, गलत विकल्प का चुनाव करना है,
पोटेशियम के कार्य के बारे में गलत विकल्प का चुनाव करना है। देखो बेटा, मेरी पढ़ने और पढ़ाने की जो शैली है, मैं सीधा सीधा सवाल पढ़ते ही पहले करना क्या है इसका डिसीजन कर लिया करिए। आप सब भी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए, पढ़ना क्या है सबसे पहले उसको देख लिया करिए, उसके बाद करिए इसमें से। कुछ लोग होते हैं पहले ऑप्शन पढ़ना शुरू कर देंगे, अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो, ठीक है, पढ़िए ध्यान से लगाइए। एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छा टीचर हो सकता है बच्चा, ऐसे हमारे टीचर कहा करते थे कि एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छा टीचर हो सकता है। तो आप सब भी एक अच्छे विद्यार्थी बनिए, जीवन में जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे रहेंगे तो फ्यूचर में आप भी एक अच्छा तरीके से सिखा सकते हैं, उसकी क्षमता आपके पास होगी। तो मैंने सीखा अच्छा है इसलिए कोशिश करता हूँ आप लोगों को बढ़िया से समझाने की, पूरी कोशिश करता हूँ मैं समझा सकूँ, जितना मुझे आता है मैं उतना समझा देता हूँ। हाँ, जितना आपका क्षमता है, जिस एग्ज़ाम का लेवल है उतना ही बताता हूँ, उससे ज़्यादा बता दूंगा तो आपको अगले दिन नींद आ जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा बताने की भी कोशिश नहीं करता हूँ। ठीक है, आप सबका आंसर है सी, ठीक है। पोटेशियम रेगुलेट ऑस्मोरेगुलेशन, ये बात सही है, स्टोमेटा खोलने और बंद करने में इसी का काम होता है। ट्रैफिक पुलिसमैन भी इसको बोला जाता है, सुगर स्टार्च का ट्रांसलोकेशन करता है, ये भी बात सही है। एक्सेस ऑफ पोटेशियम हैज गुड इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ टोबैको, ये बेटा गलत हो जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम वाली चीजें ज्यादा नहीं अप्लाई करनी है, ठीक है। इट अटैक्स ये चारों पॉइंट बेटा सही है, मतलब पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट सही है, ये वाला आपका तीसरा वाला गलत है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि किसी एलिमेंट का अगर एक्सेस हुआ तो हमेशा वो क्वालिटी डिटेरियोरेट करता है, टॉक्सिसिटी पैदा करता है, दूसरे एलिमेंट्स को अवेलेबिलिटी कम करा देता है, इसलिए ये चीज़ कभी भी सही मानी नहीं जाएगी, आपका गलत तीसरा वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। प्लांट अप, अच्छा, टेक अप इसेंशियल एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉयल थ्रू देयर रूट्स एंड फ्रॉम द एयर थ्रू देयर लीव्स और स्टोमेटा। पहला बेटा कथन लिखा हुआ है, पौधे जो होते हैं आवश्यक पोषक तत्व को या तो जड़ों से एब्जॉर्ब करते हैं या तो पत्तियों के स्टोमेटा से एब्जॉर्ब करते हैं, ये दो बातें इसमें एक सेंटेंस में लिखी है। दूसरा स्टेटमेंट है, हाइड्रोपोनिक्स इज ए मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विदाउट द यूज ऑफ न्यूट्रिएंट रिच सॉइल और सब्सट्रेट। कह रहे हाइड्रोपोनिक्स पौधे उगाने की एक ऐसी तकनीकी है जिसमें मिट्टी के बगैर हम जल में सॉल्यूशन बना करके पौधे को उगा सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट बेटा सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, आपके आंसर में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। याद कर लेना बढ़िया से घर पे जा करके बेटा, यही सब सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं, कुछ अलग से नहीं मिलेगा। अगला सवाल है एसर्सन रीजन का है, कैल्शियम और बोरान आर इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। पौधों में कैल्शियम और बोरान कैसे होते हैं, अचलायमान पोषक तत्व होते हैं। कारण लिखा हुआ है, इनकी कमी पौधों के ऊपरी भाग पर दिखाई देती है, एपिकल पार्ट पर दिखाई देती है। बेटा यहाँ बोथ आर करेक्ट नहीं बताना है, बोथ आर करेक्ट तो ये हैं ही, आपको आपस में रीजन भी एसर्शन के लिए सही है या नहीं वो भी बताना है। गलत है बेटा, आप सबका आंसर गलत आ रहा है, इसका आंसर बी होगा, बी होगा। क्यों होगा, अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि कैल्शियम और बोरान इमोबाइल होते हैं इसलिए उनकी डिफिशियंसी ऊपरी भाग पर दिखाई देती है। ये सेंटेंस इसमें और ये वाला इसमें होना चाहिए था, तुरंत आपका एसर्शन रीजन का करेक्शन भी हो जाता। दोनों सेंटेंस सही तो हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, अगर ये वाला एसर्शन नीचे लिखा होता, रीजन ऊपर लिखा होता ना, तो तुरंत अभी ये बात सही हो जाती। इसलिए यहाँ पे देखिए कहा गया है कैल्शियम बोरान इमोबाइल होते हैं, अगर यही बात नीचे लिखी होती है ना और ये वाली बात यहाँ लिखी होती, तुरंत एकदम सटीक आंसर आता कि एसर्शन रीजन दोनों सही हैं और सही से एक्सप्लेन भी करता है। इसलिए बेटा आप ये वाला अभी याद रखिएगा, क्योंकि कैल्शियम बोरान इमोबाइल होते हैं इस वजह से उनकी डेफिशिएंसी ऊपर पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा उल्टा मैंने लिखा है जानबूझ के, तो आप ये वाला लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, मूंगफली की फसल में आउटर सेल या बाहरी जो कोशिका होती है उसको कैल्शियम बनाता है और तेल बनाने के लिए सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। कैल्शियम सल्फेट
कैल्शियम और सल्फर दोनों का बहुत ही अच्छा सोर्स है। जल्दी बताएं बेटा, जल्दी बताएं इनमें से क्या सही होगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता नहीं है, ऐसा आपको मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ कि आप समझिए कि अगर एसर्शन और रीजन वाले जो लिखे हुए हैं उनको एक्सचेंज कर दीजिए तो अपने आप आंसर आपका पहला सही हो जाता। तो आपको मैं इस एक्सचेंज करने के लिए बताया हूँ। ठीक है, हाईली मोबाइल नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम होते हैं। इसका आंसर आया है आपका क्या, बी। ठीक है, आगे बढ़िए, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अरे वाह, थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट है और अगला आंसर आपको अगले पेज पे मैं दूंगा, आंसर पहले देख लीजिए। इनमें से सही उत्तर का चुनाव करना है, ए बी डी, ए बी सी डी, बी सी डी और नन ऑफ देम है। आइए सवाल पढ़िए। किचन गार्डन जो होता है एक छोटा कृषि उद्यान है जो घर के बैकयार्ड में या फ्रंट यार्ड में हम लोग अपने घरों में अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उगाते हैं। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, जिसको हम लोग बच्चों झूम खेती कहते हैं, झूम खेती, यही क्या कहलाता है, झूम खेती कहलाता है। पद्धति है जिसमें जंगल को काटते हैं और उसमें फार्मिंग करते हैं। निर्वाह खेती, फसलों को उगाने व्यापार के लिए बिना किसी अतिरिक्त केवल अपने स्वयं के उपयोग के लिए पशुधन उगाने की प्रथा है। मिक्स्ड फार्मिंग इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग दैट इन्वॉल्व बोथ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। जल्दी बेटा ऑप्शन आप लोग दें इसका, ऑप्शन मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन है, ध्यान से देख लीजिए और फिर से इसको पढ़ लीजिए एक बार। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने वहां से कॉपी पेस्ट भी किया था। सभी सही हैं, ए बी सी डी सब सही है बेटा, इसमें से कोई भी गलत नहीं था, सब सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी संस्था है जो धान और गेहूं के लिए एमएसपी का मूल्य निर्धारित करती है। सीधा सीधा ये सवाल है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो फसलों का गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, इनमें से कौन सी संस्था वो प्रूव करती है। जल्दी बताएं इनमें से कौन सी संस्था है जो ये देती है। ए, अनुराग का आंसर सही आया है, श्वेता, साक्षी का भी सही आया, सपना का भी सही है। अभी काफी लोगों ने आंसर गलत भी दिया था, तो पहला वाला इसका आंसर सही है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसको सीएसीपी कहते हैं बेटा। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। यही आपका क्या करता है, कृषि में फसलों के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। अगला देखिए, ऑपरेशन फ्लड इनमें से किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, फटाफट बताएं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। मैंने अलग ऑप्शन इसमें रखे थे, ऑप्शन मैंने अलग रखे थे। ए, बहुत बढ़िया, एकदम सीधा सीधा आंसर यहां पे दिख रहा है, मिशन टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ द डेयरी सेक्टर। जैसे ही दूध वाले मतलब डेयरी सेक्टर मतलब दुग्ध उत्पादन वाले सेक्टर को बढ़ावा देना ही ऑपरेशन फ्लड से संबंधित होगा। अब भाई रिवर मैनेजमेंट से तो होगा नहीं, रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करना तो ये कहलाता नहीं है, इंक्रीज ग्राउंड वाटर तो होता नहीं है, तो पहला वाला ही आपका सही होगा। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था, किस बोर्ड के द्वारा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। बताएं ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत इनमें से किसके द्वारा हुई थी, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत इनमें से किसके द्वारा हुई थी। आज 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम लोगों को, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए, दो मिनट और। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, बहुत बढ़िया, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा ही इसको शुरुआत किया गया था, ठीक है, इसकी स्थापना डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा हुई थी। आइए देखिए, चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से सही कथन का चुनाव करें। ऑपरेशन फ्लड के बारे में लिखा हुआ है, ऑपरेशन फ्लड के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी भारत में कहा जाता है, उसके बाद दूध उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम को श्वेत क्रांति कहते हैं, ये भी बात सही है, उसके बाद इंडियन डेयरी एसोसिएशन वर्गीज कुरियन के बर्थडे को ही नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाना जो है स्वीकार किया था, 26 नवंबर को इन्होंने उसी के नाम पे ही
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया था। ठीक है, तो चारों ऑप्शन बेटा सही थे, इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, सब सही है, उपरोक्त सभी सही है। विश्व में दूध और दूध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। आगे बढ़िए, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, इसका आंसर दीजिए। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, कल आएगा बेटा, इंसेक्ट डिजीज वाला क्वेश्चन भी कल आएगा, परेशान मत होइए। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, डी, बहुत अच्छा, हॉर्टिकल्चर और शहद उत्पादन से। हॉर्टिकल्चर में खास करके अगर बात की जाए तो एप्पल प्रोडक्शन, फलों के उत्पादन में अगर बात की जाए तो एप्पल प्रोडक्शन से है, और बाकी बचा हनी के उत्पादन, शहद के उत्पादन से। आजकल हनी उत्पादन से संबंधित एक और नई जो है रिवोल्यूशन आ गई है, स्वीट रिवोल्यूशन। ठीक है, स्वीट रिवोल्यूशन, मीठी क्रांति के नाम से भी आ गया है शहद उत्पादन। विच क्रॉप इज थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए, एरिया और प्रोडक्शन के संबंध में तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इनमें से कौन सी है। अभी कल ही मैंने इस पे एक क्वेश्चन कराया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो अभी आप आंसर देंगे। हाँ हाँ बेटा, हम CUET का ही सिलेबस पढ़ाते हैं और कुछ नहीं पढ़ाते। मीठी क्रांति, डी 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 डी, इसका भी आंसर डी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देश जो दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ उपभोक्ता भी है, मतलब ऐसी कंडीशन है इस देश की जो सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है दलहनी फसलों का और सबसे बड़ा खपत भी करता है, इसके बावजूद भी उसको बाहर से, विदेशों से मंगाना पड़ता है दाल वाली फसल, तब भी उसका पेट नहीं भरता। ठीक है, तो ऐसा कंट्री कौन सा है, इंडिया है। ऐसी कंट्री कौन सी बेटा, इंडिया। भारत ही ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन भी करता है पूरे वर्ल्ड में और सबसे बड़ा खपत वाला भी देश है, और इसके वजह से भारत को विदेशों से दलहनी फसलों को मंगाना भी पड़ता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज, इसके बाद कल हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन और, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज। आप लोग जो है, कितना क्वेश्चन आज सही हुआ आपका, 50 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, इनमें से कितना आपका सही हुआ, कितने गलत हुए, ये सब बेटा रिप्लाई जरूर कीजिएगा। और कैसा रहा सेशन आपका, कल हम लोग बेटा इसी के आगे जो है मेनली फसलों से संबंधित, वैरायटीज से संबंधित और सिंचाई वगैरह से संबंधित क्वेश्चन भी कल रखूंगा, और फर्टिलाइजर से क्वेश्चंस भी रहेंगे, प्लस डिजीज और इंसेक्ट से क्वेश्चन कल रहेंगे जो कि फसल उत्पादन में हैं, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन यूनिट से हैं। ठीक है, इरिगेशन रिसोर्सेज से भी हो सकता है, वाटर शेड मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, उनसे भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, आप सब बढ़िया से बस जा करके जो आज छूटा है वो रिवाइज करिए, बाकी सब कुछ पढ़ के नया कुछ नहीं आना है, रिवीजन करते रहिए। अरे यार, अमृत चौरसिया, इस्माइली अमृत के नाम से पहले आते तो थे तुम, अमृत चौरसिया ऐसा तो है नहीं आते थे। गौरव पाठक करें, सर आप पंडित हैं, संस्कृत बोलते हैं, बताइए गुरुजी। बेटा आजकल संस्कृत पंडित कम और अन्य लोग ज्यादा बोलते हैं। 45 सही हुआ है, ठीक है, किसी का 40 सही हुआ, किसी का 45, किसी का 43 है। ठीक है बेटा, ऐसे ही लगे रहिए, जो क्वेश्चन आज आपके सॉल्व गलत हुए हैं, अब फ्यूचर में तो वो गलत होंगे नहीं, इस तैयारी से, इस लालच से आप बस रोज पढ़ते रहिए, रोज रिवाइज करते रहिए, हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। रेशम का जो पालन होता है बच्चों, वो सेरीकल्चर कहलाता है, और एपीकल्चर जो होता है ये हनी बी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, हनी बी का जो होता है उनका पालना होता है। फ्लोरिकल्चर फ्लावर की खेती कहलाती है, कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स होता है, तो आपका सेरीकल्चर आपका यहाँ पे राइट आंसर था। तो आज के सेशन में बच्चों इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल शाम 6 बजे इसी के सेशन को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए आप सबके जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और ऐसे ही जुड़ते रहिए, कन्फ्यूजन आपका रोज दूर होता रहेगा, नई बातें आप रोज सीखते रहेंगे, डोंट वरी, परेशान मत होइए, और लगे रहिए बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बच्चों, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। थैंक यू टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।